नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर लीलावती ने जो दवाइयां दी थीं, वो बिल्कुल सही थीं। अब बच्चा खतरे से बाहर है। मेरा ख्याल अब वही दवाइयां देते रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये कहीं नहीं जाएगा, हमेशा हमारे पास रहेगा। जाकर भैया और दीदी को खबर कर दो कि किशन अब बिल्कुल ठीक हो गया है, वो लोग परेशान होंगे। भाभी, भैया, भैया किशन ठीक हो गया, हमारा किशन बिल्कुल ठीक हो गया भाभी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा अब तुम जाओ, जल्दी अपने बच्चे के पास जाओ। नहीं भाभी, अब वहाँ हमारी क्या जरूरत है, किशन बिल्कुल ठीक हो गया, हम वापस आना चाहते हैं। लेकिन भाभी तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि ललिता ने बच्चे को यहाँ से ले जाते वक्त जो बेवकूफी की थी वो तुम माफ कर दोगी। अच्छा बाबा, माफ किया। रवि, जाकर बच्चे और ललिता की देखभाल करना, और जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देता वहीं रहना। जा जा मेरे भाई, जाओ। अरे ठहरो, ये मेरे खेत की हदें क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? क्या तेरा खेत, मेरा खेत, ये सब झगड़ा तो खत्म। अब ये सब खेत मिलकर एक होने वाले हैं। तुम्हारे बाप की हिटलर चाहिए, सब मिलकर एक होने वाला है। मिलावट राम जी, सहकारी खेती के लिए हमारे चौधरी साहब ने तमाम खेतों को मिलाकर एक कर देने का ऐलान किया है, इसलिए हम सब ने फैसला कर लिया है कि ये खेत हम उनको दे देंगे। अरे तुम खेत की अपने बीवी बच्चे भी उनको दे दो ना, मुझे क्या लेना देना है, मगर मेरे खेत की आदत क्यों तोड़ रहे हो? क्या कर रहा था? मैं ये तोड़ रहा, मिला रहा था। मिला रहा था? इसमें सारे गांव की भलाई है। बेवकूफ हो तुम, गधे हो, इसमें गांव की नहीं तुम्हारी चौधरी की भलाई है। पहले वो खेत मिला देगा, बाद में हड़प करके तुम सबको हिला देगा। अबे वो मिलावट राम, मुंह संभाल के बात कर, विजय बाबू इंसान नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। देवता है देवता। अरे काय का देवता है, बेईमान है, 420 है, फांदेबाज है। अबे चौधरी साहब के खिलाफ बोल रहा है, काट डालो इसको, काट डालो साले को, टुकड़े टुकड़े कर दो। काटो मत, दोनों तरफ की बात करता है। अरे यही तो देश की हालत है। आज तो तेरे को छोड़ दिया, अगर आज के बाद कभी कुछ बोला है तो काट के फेंक दूंगा। चलो चलो। अरे क्यों छोड़ दिया यार? क्यों छोड़ दिया उनको क्यों छोड़ दिया? मैंने तेरे को बचाने बोला, तू बोलता काटो। सेठ जी आपकी नीयत की तरह आपके कान भी खराब है, अब तो खाम का भाग करा गए। मैं तो उसे कह रहा था मत काटो, काटो। मगर आपने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, काटा ही नहीं। खैर जाने दे, नाम मेरा मिलावट है और विजय ने अपनी चालाकी से गांव के सारे खेतों को मिला डाला। अब देख मैं अपने दिमाग की मिलावट से ऐसा गिरावट वाला आइडिया निकालूंगा कि उसके घर की बनावट बिगड़ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। तू समझेगा भी नहीं, आ जा। आया। मेरी तरफ से 500 रुपया धर्मशाला में दे दो। मुबारक हो मिलावट राम जी। अरे आइए, किस बात की मुबारकबाद? सुना है कि आप हमारी सहकारी खेती की मुहिम में शामिल हो रहे हैं और अपने खेत पंचायत को दे रहे हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने। क्या है, बरसों बाद मन की बंद आंखें खुली तो मैंने सोचा कि आपके देवता स्वरूप सरपंच के नक्शे कदम पर थोड़ा चल के देखूं। शाबाश, तेरा यह दुरुस्त आया। ये मेरी जमीन के कागजात हैं और ये उसका नक्शा है। नक्शा? ये किस लिए? नक्शा तो बहुत जरूरी है। क्या इंसान की जिंदगी क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल अगर मैं मर गया, ये बहुत बुरी बात है, हंसना नहीं चाहिए। कल अगर मैं मर गया तो मेरी जमीन का वारिस तुम नहीं, मेरा दामाद मेरी बेटी होगी। तो उनको पता कैसे चलेगा कि उनके खेत कहां से कहां तक है? नक्शे के जरिए, ये तो बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में झगड़े होंगे, है कि नहीं? हाँ, आपने नहीं बनाया नक्शा? ये लीजिए, एक आप रखिए, एक मैं रखता हूँ। मिलावट राम जी, बहुत सही बात की आपने। भाई मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी अपने अपने खेतों के नक्शे बनवा लेने चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों में जमीन के लिए झगड़े ना हो। जी बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलावट राम जी, बहुत सही रास्ता दिखाया आप। ये मैं आपके सही रास्ते पे चला तो मुझे खुद सही रास्ता नजर आया। मैं चलता हूँ। अच्छा नमस्ते, जीते रहो। पलटी खा गए। आओ रवि आओ, तुम्हारे विजय भैया ने गांव को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह सहकारी खेती, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने सारे खेत। सुन लिया ससुर जी, ये काम करके आपने अपनी अकलमंदी का सबूत दिया है। अरे मैं का अकलमंद, मैं तो बेवकूफी का बुझा हुआ बल्ब हूँ।
अकलमंद तो तुम्हारे भैया हैं, जिन्होंने अपने सारे खेत देकर एक नए काम की शुरुआत की है। अरे रवि भैया, उन खेतों में तुम्हारे भी तो खेत होंगे ना? अरे बेवकूफ, सारे खेत का मतलब नहीं समझता है। सारे खेत का मतलब विजय भैया के खेत, रवि के खेत है ना? हाँ, लेकिन विजय भैया ने वो सारी जमीन देने से पहले तुमसे पूछा था। विजय भैया सिर्फ गांव के ही मुखिया नहीं, बल्कि हमारे परिवार के भी मुखिया हैं, भगवान हैं, और भगवान से सवाल नहीं किए जाते। पर रवि बेटे, जब से विजय भैया ने सहकारी खेती का काम शुरू किया, गांव वाले जाने के अनाप शनाप बकने लग गए हैं। क्या बकते हैं? तू क्या चुप खड़ा है? रावण के पुतले की तरह बोलना। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, मैं उनको देवता समझता हूँ। कुछ बोलूंगा तो मेरी जबान को चक्कर आ जाएगी। तू बोल। नहीं, 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 नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि विजय बाबू की तो औलाद नहीं है, लेकिन रवि की तो औलाद है ना। कल की किसको खबर, कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ऐसा भी कहते हैं कि बिना सोचे समझे विजय बाबू ने जोश में आकर अपने परिवार के सारे खेत दे दिए हैं। विजय भैया ने आज तक जोश में आकर कोई काम नहीं किया, और ना ही कोई काम अपना नाम और शोहरत कमाने के लिए किया है। हमारे विजय भैया ने आज तक कोई काम नाम और शोहरत के लिए नहीं किया। लेकिन रवि बेटे, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी बात रुपए में 60 पैसे सही है, मगर 40 पैसे जरा गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मान लो कल गांव की पंचायत का दोबारा इलेक्शन हुआ और उसमें विजय भैया की जगह कोई नया सरपंच आया और उसने ये सहकारी तरीका कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ? अपने अपने खेत वापस ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे वापस ले लेंगे? इतना आसान काम थोड़ी जितना तुम समझ रहे हो। जब सारे खेतों की हदें तोड़ दी जाएंगी, सारे खेत मिल जाएंगे, तो पता कैसे चलेगा तुम्हारा खेत कौन सा है, मेरा कौन सा है? खैर इसका तो है ही नहीं। अपने अपने खेत पहचानेंगे कैसे? इसीलिए सेठ जी ने अपनी जमीन देने से पहले उसका नक्शा बनाकर अपने पास रख लिया। ये देखो। दिखाइए। ये है मेरा खेत। अब मेरे बाद मेरे खेत के वारिस तुम बनोगे, ललिता बनेगी, मगर तुम अपने खेत कैसे पहचानोगे, कहां से कहां तक है? कोई जवाब? बाबूजी, आप खामों का एक ही बात को लेकर अड़े बैठे हैं। मुझे पहचाने की क्या जरूरत है? विजय भैया जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं हमारे खेत कौन से, और वही पहचानेंगे। लेकिन बेटे, भगवान न करे कल अगर विजय भैया न रहे तो। गुस्सा मत करो, जरा ठंडे दिल से सोचो, गुस्से पर ठंडा का मसाला डालो। देखो, जिंदगी इंसान को मिली है मर जाने के लिए, दुनिया में इंसान आया है चले जाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, जैसे आज सेठ जी जिंदा है, कल लुढ़क के मर जाए तो। मरे तेरा बाप, मिसाल दी है। रवि बेटे, देखो अपने बच्चे के बारे में सोचो। कल तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, उसे खेती बाड़ी के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो कौन सी जमीन पे खेती बाड़ी करेगा? किसे मांगेगा अपनी जमीन? आप भी कैसी बातें करते हैं सेठ जी, सीधे विजय भैया के पास नहीं जाएगा, जाकर पूछेगा ताऊजी ताऊजी मेरे खेत कौन से हैं? अरे ओ खच्चर जी, इसका बेटा विजय भैया के लिए पोते समान होता है, और पोता के अपने दादा से पूछेगा कि दादा दादा मेरे खेत कहाँ है, उसको शर्म नहीं आएगी, है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटी। इसलिए तुम अपने बड़े भाई से लक्ष्मण की तरह बड़े अदब से, नरमी से, वफादारी से, फरमाबरदारी से ये पूछो कि भैया मेरे बच्चे के खेत कहाँ से कहाँ तक है। बस नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बड़े भैया से कोई सवाल नहीं किया। तो सवाल करने की जरूरत क्या है? मैं दो शब्द लिख देता हूँ, तुम खाली दस्तखत कर दो। सो तो है, वो मुंह से पूछने से बदतमीजी होगी, लिख कर पूछने भी शराफत है। जा तू लिख दे, लिख दे। और क्या है, विजय भैया को बड़ी खुशी होगी कि तुमने इतनी मामूली सी बात भी उनसे सीधे जाकर नहीं पूछी, खत के जरिए पूछी, अदब और शराफत के तरीके से पूछी। बहुत खुश होंगे, दुआएं देंगे तुमको, मालूम? पढ़ के सुनाओ। अभी चल सुन, सिलसिला कहीं कर दे। अरे मैं हूं ना, ले दस्तखत कर, चल। अरे क्या हुआ, अभी तो घर से खुशी खुशी गए थे, तो अचानक ही चिल्लाना क्यों? तबीयत तो तबीयत ठीक है मेरी। अब जो मैं कहता हूँ सुनो तुम, घर में जो जो जेवरात हैं, जो जो सोने चांदी पीतल के बर्तन हैं, वो सब लगे रख दो, जाओ। हाँ हाँ रख दूंगी, लेकिन बात क्या है? ये देखो, पढ़ो इस चिट्ठी को, पढ़ो पढ़ो इस खत को। तो इसमें इतनी नाराजगी क्यों? तुम्हारे छोटे भाई ने सिर्फ इतना ही पूछा कि मेरे खेत कहाँ से कहाँ तक हैं। हाँ हाँ, पूछ लिया ना। मेरा भाई जिसे हमने अपनी औलाद की तरह पाला, बेटे की तरह चाहा है, वही बेटा अपने बाप से पूछ रहा है, अपनी माँ से पूछ रहा है कि उसके खेत कहाँ से कहाँ तक। वो अपने मन की बात अपने बेटे के नाम पर डाल के पूछे, जैसे उसका बेटा हमारा कुछ भी नहीं।
उस एहसान फरामोश को नहीं मालूम कि उसे हमने अपने बेटे की तरह समझा और जिसे वो अपना बेटा समझ रहा है वो दरअसल हमारा बेटा है। लेकिन ये बात उसने खुद तो नहीं पूछी ना, खत किसी और ने लिखा है, उसने सिर्फ दस्तखत किए हैं। सिर्फ दस्तखत किए हैं? मेरे खेत कहां से कहां तक है या मेरी जायदाद का बंटवारा कर दो, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। लक्ष्मी, हम दोनों भाइयों को जुदा करने या हमारी जायदाद का बंटवारा करने में हमारे दुश्मन आज तक नाकाम रहे, लेकिन आज मेरा अपना ही भाई कामयाब हो गया। इसका मतलब आप बंटवारा करेंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे कि छोटा भाई बाल बच्चे वाला हो गया तो बड़ा भाई उसे कुछ दिए भी नहीं सब कुछ हड़प कर गया। मैं ये बंटवारा उसे अकेले बुलाकर नहीं करूंगा, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उनके सामने करूंगा। मैं गांव वालों के सामने सारी चीजें दो हिस्सों में रख दूंगा और उसमें से एक हिस्सा उसे चुनने के लिए कहूंगा। जाओ लक्ष्मी, जाकर सारा सामान ले आओ, एक एक चीज लाना, यहां तक कि पानी पीने का गिलास भी। मामा तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपनी भांजी के बच्चे से खेल रहा हूं। ये क्या मजाक है? मुझे इसे ले जाना तो मुझे जल्दी जाना है। हाँ तो जाओ ना, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। लेकिन जहाँ तुम जा रही हो ना, वहाँ जाकर सिर्फ मेरा मामला संभालना। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने रवि को बंटवारा रोकने के लिए भेजा है, अब तुम खुद वहाँ जाओ और बंटवारा कराओ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एहसास दिलवा रहा हूँ कि बंटवारा करवाओ, वरना तुम्हारे इस बच्चे को दो हिस्सों में चीर कर इसका बंटवारा कर डालूंगा। तुम मेरे बच्चे की जान ले लोगे और इसकी जान के बदले तुम चाहते हो कि मैं उस स्वर्ग से सुंदर घर को उजाड़ दूं? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे कैसे नहीं करोगी? तुम्हारा एक इनकार तुम्हारा यानी कि सब कुछ बिगाड़ सकता है। मेरे आदमियों ने तुम्हारे उस स्वर्ग से सुंदर घर के तमाम देवी देवताओं को गोली के निशाने पर रखा हुआ है। अगर रवि ने बंटवारे से इनकार कर दिया तो सबसे पहले तुम्हारा बड़ा देवता उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद लक्ष्मी देवी मार दी जाएगी, हो सकता है तुम्हारा रवि भी मार दिया जाए। तुम्हारे एक बंटवारे को रोकने के लिए कई जाने जाएगी, तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए जाओ, फौरन जाओ और वहाँ से तमाम जेवरात, हीरे जवाहरात, रुपए पैसे लेकर सीधा मेरे पास आओ, और तब तक मैं तुम्हारे इस नरम चूजे को अपनी हिफाजत में रखूंगा। जाओ। अरे मैं कहता जाओ। हट जाओ, हट जाओ यहाँ से। ये क्या है? ये बच्चा कहाँ ले जा रहा है? अरे इसी बच्चे के बलबूते पर तो मैं विजय के घर का बंटवारा करवाऊंगा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, अपने बेटे का बदला लूंगा, तमाम जेवरात और जायदाद देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। तेरा दिमाग खराब है, ये मेरा नवासा है। तेरा नवासा है? वाह वाह वाह, अरे मैं भी तो तेरा साला हूँ। जिस तरह वक्त आने पर तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, उसी तरह मैं भी तेरे नवासे को यानी कि पहचानने से इनकार करता हूँ। लक्ष्मी जी, सब सामान रख दिया ना? सुनो, ये गहने क्यों पहन रखे? उतारो इन्हें। ठहरो, तुमने अपने गले में सोने का मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? जब मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था तब तुम्हारे गले में एक पीला धागा था, उतारो इसे। सोच के रही हो, मैंने कहा उतारो इसे। विजय बेटे, तुमने हमें बुलाया है? हाँ रहीम चाचा, मेरा छोटा भाई रवि जायदाद का बंटवारा चाहता है। रवि और जायदाद का बंटवारा? नाउज बिल्ला मिन जालिक। बेटे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, रवि ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं सही कह रहा हूँ रहीम चाचा, रवि बंटवारा चाहता है, उसके अलावा और कौन है जायदाद का दावेदार? आओ भाई रवि, आओ आओ आओ, आओ ना। मुझे तुम्हारा खत मिला,
पढ़कर बेहद खुशी हुई। खत में तुमने सिर्फ इतना लिखा है ना कि तुम सिर्फ ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे खेत कौन से हैं, कहां से कहां तक हैं, और वो भी किशन के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा असली मतलब समझ गया, अच्छी तरह समझ गया भैया। मैं जानता हूं कि वो खत तुमने क्यों लिखा, किसके इशारे पे लिखा, लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी तरह चलना सिखाया, कभी तुम्हें खुद अपने आप से फैसला करने का मौका नहीं दिया, इसलिए दोष मेरा है। ये देखो, मैंने सारी जायदाद दोस्तों में बांट दी है। लेकिन भैया, मैंने ये सब कब मांगा, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे बेवकूफ मत बना, तूने तो सिर्फ कॉलेज पढ़ा है, मैंने जिंदगी पढ़ी है, जिंदगी। आओ भैया आओ, देख लो, मैंने घर की तमाम चीजें दो हिस्सों में बांट दी है, अच्छी तरह देख लो। आज अपने सरपंच को गुस्से में एक हिस्सा दो हिस्से नजर आ रहे हैं। रहीम चाचा, आप जरा जाकर उनकी पत्नी से तो पूछिए। लक्ष्मी बेटी, ये पहले कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये दो हिस्से कहाँ हैं? रहीम चाचा, जब दो हिस्से होंगे तब तो आपको नजर आएंगे ना, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही, मैं उनसे पूछती हूँ। सुनिए, आप बंटवारा ठीक ढंग से करवाना चाहते हैं ना? हाँ। यहाँ हर एक परेशान है, आपने सारी चीजें एक जगह जमा कर रखी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दो हिस्से कहाँ हैं। दो हिस्से हैं, जिनकी आंखें हैं उनको दो हिस्से दिखाई देंगे, और जिनकी नहीं है वो नहीं देख सकते। रवि, तुम खड़े क्यों? दो हिस्सों में से अपना हिस्सा चुन लो। रहीम चाचा, मैंने अपने भाई से कभी बंटवारे के लिए नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने ये खत लिख दिया, ये मेरा कसूर है। रवि बेटे, विजय बहुत समझदार इंसान है, जरूर इस बात के पीछे कोई मकसद छुपा हुआ है। भैया ने वाकई सही बंटवारा किया है, एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए एक तरफ जायदाद रख दी और दूसरी तरफ खुद को रख दिया, और मुझसे कह रहे कि इनमें से चुन लो। इस राम ने अपने लक्ष्मण को एक और प्रायश्चित का मौका दिया है, रहीम चाचा, एक और प्रायश्चित का मौका दिया। अरे ये क्या चीज है भैया, दुनिया की तमाम दौलत अगर तुम्हारे मुकाबले में रख दी जाए तो मैं उसे ठुकरा कर तुम्हारे चरणों में अपना सर रख दूंगा भैया, मैं तुम्हें चुनूंगा भैया, सिर्फ तुम्हें। मुझे मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए भैया। बस करो रवि, बस करो, ये दौलत तुम्हारी नहीं मेरी है, इस पर मेरा हक है। तुम अपने सास ससुर बीवी बच्चे के साथ ये जायदाद लेकर तुम खुश रहो, लेकिन ये जायदाद सिर्फ मेरी है, मैं अपनी जायदाद में से किसी को हिस्सा नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरा हिस्सा है। ये मेरे सुहाग की दौलत है, अपने सुहाग को लेकर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। चलिए भाभी, मुझे ये घर, ये जमीन, ये जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई भाई, कोई भाभी, कोई रिश्तेदार, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, ये घर चाहिए। ऐसे भाई तो कई मिल जाएंगे, मगर ये दौलत कहाँ मिलेगी? अपना लो इस दौलत को। क्या बक रही हो तुम, अपने होश में तो हो? हाँ हाँ, मैं अपने पूरे होश में हूँ, मुझे तुम्हारे भैया और भाभी नहीं चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। दौलत पास होगी तो दुनिया के बाजार में भैया और भाभी बहुत मिल जाएंगे। मैं समझा था तू पाप के कीचड़ में पैदा हुए कमल की तरह है, लेकिन नहीं, तूने साबित कर दिया तू गलीज माँ बाप की जलील और गिरवी औलाद है। बस, 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 बस देख लिया तुम्हारा ये नाटक,
अब लक्ष्मी और मैं सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक गांव छोड़कर जा रहे हैं। ये सारी जायदाद और दौलत तुम्हें मुबारक हो। लेकिन भैया, चलो लक्ष्मी। भैया 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 रुक जाओ भैया। तुझे दौलत चाहिए ना, तुझे दौलत चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ले, ये ले, ये ले। और दुनिया को चीख चीख कर बोल कि मैंने अपनी मक्कारी की आंख से स्वर्ग जैसे घर को लाल बना दिया। लेकिन एक बात याद रख, आज के बाद तेरा मेरा ना कोई रिश्ता है और ना कोई संबंध, ना तू मेरी पत्नी और ना ही मैं तेरा पति। नहीं क्या समझते हो, दौलत और जायदाद के लिए ललिता इस वर्ष को आग लगा सकती है, देवी और देवता जैसे भैया और दीदी को इस घर से निकाल सकती है। सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम, अपने बच्चे की कसम, अगर अगर मैंने कदम न उठाया होता तो भैया और दीदी को जान से मार दिया जाता। मैं अपने बच्चे की खातिर धन दौलत जेवरात सब कुछ ले आया हूं, ले लो इसे। अब बताओ कहां है मेरा बच्चा? हाँ हाँ अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये रहा तुम्हारा। नहीं नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, ये दौलत तो मुझे उस अपमान के बदले में मिली है जो तुम्हारे भाई और मेरे हरामखोर जीजा ने किया था। लेकिन गांव वालों के सामने मंदिर में जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी उसका बदला यानी कि अभी बाकी है। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ इस नरम चूजे की जान। नहीं मामा जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। दे दूँ क्या? यानी कि हिम्मत है तो ले लो मामा। नहीं मामा जी, मेरा दिल बहुत कमजोर है, इसलिए अपना हाथ मत उठाओ वरना मेरा हाथ छूट जाएगा, और अगर मेरा हाथ छूट गया तो आपका बच्चा यानी कि इस दुनिया से उड़ जाएगा। इसलिए मेरी बेइज्जती के बदले मार खाते जाओ, खाते जाओ, और हो सके तो अपने आप को बचाते जाओ, बचाते जाओ। हाथ
रवि तुम ठीक तो हो ना? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे? लाओ मेरी लाठी। कौन जीजा जी बे? इस लाठी से मैं तेरा सर फोड़ डालूंगा। अरे अरे स्टॉप! वन हाफ भैया आप सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं भैया, लेकिन सबसे कीमती चीज अब हमारे पास छोड़े जा रहे हैं, इसे तो साथ लेते जाइए भैया। दीदी आपकी अमानत हमारे पास है। हाँ भैया, किशन आपकी औलाद है, आपका खून है, फिर इसे हमारे पास क्यों छोड़े जा रहे हैं? भैया ललिता ने मुझे आज सब कुछ बता दिया। ललिता क्या तुम ये जानती थी कि किशन हमारा बेटा है? हाँ भाई साहब, मैं सब कुछ जानती थी। मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, किस तरह दीदी अस्पताल में मेरे कमरे में आई और अपने बच्चे को मेरे उजड़े हुए पालने में डालकर अपनी गोद उजाड़कर चली गई। मैं उस वक्त होश में आ चुकी थी लेकिन चुपचाप पड़ी रही। तो फिर एक बात बताओ ललिता, जब तुम ये जानती थी कि किशन हमारा बेटा है और जब किशन बीमार हुआ तो तुम उसे अपनी माँ के घर क्यों ले गई? अपनी माँ के कारण, जिसके मुंह से गालियाँ और कोसने के सिवा कुछ नहीं निकलता। सारी दुनिया किशन को हमारा बच्चा समझती थी। अगर किशन को आपके घर में कुछ हो जाता तो लोग मेरी देवी जैसी दीदी का मजाक उड़ाते, इन्हें बाज मनहूस न जाने किस किस नाम से पुकारते। इसीलिए मैं किशन को अपने साथ ले गई ताकि जो कुछ भी अच्छा बुरा हो मेरी ही गोद में हो, सारा इल्जाम मुझे पर आए। बंदर लिखा, शैतान लिखा, भागती किधर है? भागती किधर है? अरे ये छोड़ दे जी, अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ दे आप, बंदर गरम मसाला। चल माफी मांग। इस देवी ने तेरी मरती हुई बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपना बच्चा उसकी गोद में डाल दिया और तू सारी जिंदगी इसको गाली देती रही, मनुष्य कहती रही, बाज कहती रही। बाज तेरा बाप, तेरा पति यानी कि मैं। विजय बेटा, आदमी को इंसान, शैतान और भगवान बनाने में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे ये देवी, तुम महान हो मगर तुम्हारी महानता में इस देवी का बहुत बड़ा हाथ है। औरत अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और अगर वो चाहे तो उसे स्वर्ग से सुंदर बना सकती है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और इंस्पेक्टर साहब, अगर ये मेरा साला इस सारे फसाद की जड़ है तो ये उस फसाद की कीचड़ है और मैं उस कीचड़ का कीड़ा हूँ। हम सबको ले जाकर जेल में बंद कर दो, मगर अलग अलग कोठरी में रखना, वरना कैदियों को आपस में लड़ा देंगे हम लोग। और हो सके तो मुझे भी यदि माफ कर दीजिए। नहीं हो सकता है, चला कीचड़। मुझे भी माफ कर दो, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी। चलो सेठ जी की तरफ से मैं तुमको माफ करता हूँ, बोला है। मैं ठीक है, अगर तुम अपने वचन पर कायम रहोगी तो देखता हूँ, माफ कर दूं? कर दो। अरे कर दो, कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। देखा, शर्म कर, इसको बोलते हैं देवता, माफ कर दिया। चल बिचकर चल। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू मी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।